everyone and welcome to today's video एक कंपनी जिसने स्टार्ट होने के बाद कुछ ही टाइम में 15,000 करोड़ के वैल्यूएशन को टच कर लिया उसके बाद उसका आईपीओ आया और आईपीओ आने के बाद वो कंपनी फाइल कर देती है अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ एयरलाइन इंडस्ट्रीज की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है गो एयर गो एयर की बैंक फाइल करने की न्यूज को तो आपने जरूर सुना होगा लेकिन आज के वीडियो में हम ये डी करने वाले है की आखिर इंडिया के अंदर एयर कंपनी क्यों हो जाती गो एयर जैसी एयरलाइन ने तो अपनी रखी थी, टिकेट को भी कम रखा था और कुछ ही टाइम में उन्होंने सहारा जैसी भी एयरलाइंस इंडिया के अंदर बैंक हुई है गवर्नमेंट का कहना है की इंडिया के अंदर एयर ट्रैवल अब दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहा है और नंबर ऑफ एयर ट्रेवलर भी इंक्रीज हो रहे मतलब अब ज़्यादा लोग एयरवेज़ को चूज करते हैं फॉर ट्रेवलिंग लेकिन उसके बाद भी हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर कंपनी सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी को फेस कर रही है और गो एयर जैसी कंपनी बैंक फाइल कर रही है और अकाशा एयर जैसी कंपनी जो की अभी नई ही मार्केट में आई है

तो उस केस में जो टिकट है वो कम पैसे में बुक हो जाती है अगर इमरजेंसी में कोई टिकट बुक करनी होती है या कम टाइम में कोई टिकट बुक करते हैं तो उस केस में जो टिकट का प्राइस है वो ज्यादा रहता है वहीं पे टिकट किस क्लास में बुक किया जा रहा है वो भी एक फैक्टर रहता है बिजनेस क्लास की टिकट अगर बुक करी जा रही है तो वो महंगी होती है वहीं अगर इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करी जा रही है तो वो सस्ती पड़ती है तो इन फैक्टर्स पे जो पैसेंजर रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा वैरी करता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाई एवरेज प्राइस पर टिकट से हमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू मिल जाता है जो की पैसेंजर रेवेन्यू से आता है अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो होते हैं वो भी एयरलाइन टू एयरलाइन वैरी करते हैं क्योंकि अगर एयरलाइन के अंदर कैपेसिटी ज्यादा है सिटिंग की फॉर एक्साम्पल अगर ऐसा एयरक्राफ्ट जा रहा है जिसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है तो उस केस में भी करते हैं. Example, अगर हम इंडिगो की बात करते हैं तो उनके पास काफी सारे एयरक्राफ्ट है जिसकी वजह से वो ज्यादा पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाते हैं और उनका पैसेंजर रेवेन्यू जो है वो अच्छा आता है अब इसके अलावा किन रूट्स पर एयरलाइन चलती है इस पे भी नंबर ऑफ पैसेंजर्स काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं अगर कोई ऐसे रूट से एयरलाइन जा रही है जहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो ज्यादा पैसेंजर्स करेंगे और उस केस में पैसेंजर रेवेन्यू जो है वो किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए अच्छा आएगा अब इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जिसपे नंबर ऑफ पैसेंजर्स डिपेंड करते हैं ये होता है टर्न अराउंड टाइम टर्न अराउंड टाइम का क्या मतलब है एक फ्लाइट जब ऑपरेट कर लेती है तो उसके बाद क्या होता है उसकी सफाई होती है उसको रिफ्यूल किया जाता है

अंदर वो कार्गो होता है अब यहाँ पे आपको पता होगा कि कार्गो जो होता है ये हम लिमिटेड ही ले जा सकते हैं फॉर फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 7 केजी टू 15 केजी अलाउड होता है कि आप अपने साथ फॉर फ्री ले जा सकते हैं उसके आगे अगर आपका कार्गो जाता है तो उस केस में जो एयरलाइंस होती हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं और इससे वो रेवेन्यू जनरेट करती है अब यहाँ पे भी जो कार्गो से रेवेन्यू आता है ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कितने हैं अगर ज्यादा नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो कार्गो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है कार्गो के थ्रू अब इसके अलावा दो और फैक्टर्स है जिस पर कार्गो रेवेन्यू डिपेंड कर सकता है ये है नंबर ऑफ डिपार्चर एंड एवरेज टन पर डिपार्चर अगर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट नंबर ऑफ डिपार्चर्स और एवरेज टन पर डिपार्चर

अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से खर्चे हैं जो एक एयरलाइन कंपनी करती है यानी कि उनके एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर जो एक एयरलाइन कंपनी का होता है वो होता है फ्यूल 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 के ऊपर यानी कि कॉस्ट एविएशन जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है ये काफी ज्यादा महंगा फ्यूल होता है और इसके प्राइजेस भी डिपेंड करते हैं स्टेट टू स्टेट मैं आपको बताऊंगी कैसे लेकिन ये जो है ये बिगेस्ट एक्सपेंस होता है किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए इनफैक्ट थर्टी परसेंट जो अपने रेवेन्यू का है वो एयरलाइन कंपनीज इस फ्यूल पर ही खर्च करती हैं और इंडिया में तो ये फ्यूलता है अब ये ये जो फ्यूल है, ये number of departures पे depend करता है। फ्यूल प्राइस प्राइस है 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 नंबर ऑफ पे डिपेंड डिपेंड करता करता एवरेज क्या उस पर और साथ ही साथ पर डिपार्चर कितना फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है ये जो फ्यूल होता है ये हम इम्पोर्ट करते हैं जिसकी वजह से फ्यूल और भी ज्यादा महंगा हो जाता है और इसके बाद भी काफी सारे टैक्सेस इस फ्यूल पर लगाए जाते हैं

इसके बाद आता है एक और काफी बड़ा एक्सपेंस जो कि है ग्राउंड एक्सपेंसेस ग्राउंड एक्सपेंसेस में आ जाते हैं पायलट्स की सैलरी केबिन क्रूज की सैलरी और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट चार्जेस होते हैं और डेप्रिसिएशन जो कि प्लेन्स पर लगता है वो आ जाता है ग्राउंड चार्जेस के अंदर अब ये जो ग्राउंड चार्जेस होते हैं ये फिक्स्ड चार्जेस होते हैं और क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना काफी ज्यादा स्पेशलाइज फंक्शन है और स्पेशलाइज फंक्शन के लिए सैलरी भी ज्यादा होती है तो इस केस में इनको ग्राउंड स्टाफ को काफी अच्छी सैलरी देनी पड़ती है जो इनका मेजर एक्सपेंस का पार्ट बन जाता है

जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए इसका जो प्राइस रहता है, ये करता है क्योंकि इस पे अदर चार्जेस लगते हैं सच इज वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है इसपे जो की ग्यारह है और उसके बाद इस पर लगता है वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग वैल्यू एडेड टैक्स इस पर लगाती हैं, जिसकी वजह से एविएशन टर्बाइन फ्यूल और भी ज्यादा महंगा हो जाता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80% परसेंट एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है ये इंपोर्ट किया जाता है तो ये ऑलरेडी महंगा होता है क्योंकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसके बाद इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है इस पर और भी टैक्सेस लगते हैं जो कि स्टेट वाइज काफी ज्यादा वैरी करता है नाउ दीज टैक्सेस मेक द एविएशन टर्बाइन फ्यूल वेरी एक्सपेंसिव और यहाँ पे क्योंकि वैट जो है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है तो जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसके जो प्राइसेस होते हैं ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट चेंज हो जाते हैं इस केस में किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए कॉस्ट एफिशियंसी को परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें एविएशन टर्बाइन फ्यूल की काफी ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज ने गवर्नमेंट को कहा था कि वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल को भी जीएसटी में ले आए लेकिन ऐसा नहीं हुआ अगर ऐसा होता तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू एयरलाइन कंपनी काफी सारा टैक्स बचा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये लगता है की आने वाले समय में भी ये नहीं हो पाएगा द नेक्स्ट रीजन इज जब भी किन्हीं दो देशों के बीच में जैसे की यूक्रेन और रशिया को ले लीजिए इनके बीच में जब पॉलिटिकल टेंशन हो गई थी तो इन पॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल प्राइस राइज करने लगते हैं और जब क्रूड ऑयल प्राइसेज राइज करने लगते हैं तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी महंगा हो जाता है जिसकी वजह से अगेन ज़्यादा कॉस्ट फ्यूल की बियर करनी पड़ती है एयरलाइंस को The next reason is power of dollar. अब जब भी एविएशन फ्यूल को खरीदा जाता है तो उसका पेमेंट डॉलर में किया जाता है। अब जब भी डॉलर एप्रिशिएट करता है तो फ्यूल कॉस्ट और भी ज्यादा आने लगती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंस बढ़ जाता है एयरलाइंस का अब एयरलाइंस टिकट प्राइस को भी चेंज नहीं कर सकती अगर डॉलर एप्रिशिएट करता है क्योंकि अगर टिकट प्राइस वो चेंज कर देती है तो उस केस में जो उनके नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पैसेंजर्स काफी जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम वन एयरलाइन टू अदर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके की सर्विस उनको एयरलाइन में मिलती है उनको कंफर्ट कैसा मिलता है उनको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो है प्राइस अगर प्राइस कम मिल रहा है तो वो शॉर्ट जर्नी के लिए कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहते हैं विच इज द रीजन की डोमेस्टिक एयरलाइंस अपने फ्यूल प्राइसेस को भी ज्यादा

कि क्योंकि इनको फिक्स्ड कॉस्ट बहुत सारी बेयर करनी पड़ती हैं अगर आप अपने एयरक्राफ्ट्स को एयरपोर्ट पे रखते हो तो आपको एयरपोर्ट चार्जेस देने ही होंगे अगर आप केबिन क्रूज को हायर करते हो तो केबिन क्रूज को आपको सैलरी देनी ही होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास रेवेन्यू आ रहा है या नहीं सेम लाइकवाइज आपको पायलट्स को भी सैलरी देनी ही पड़ती है और उसके अलावा और भी काफी सारे ग्राउंड चार्जेस होते हैं जो एक एयरलाइन कंपनी को बियर करने ही होते हैं फिर चाहे उनका रेवेन्यू आ रहा हो या नहीं आ रहा हो और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये एयरलाइन कंपनीज बहुत जल्दी लॉस में जाने लगती हैं अब इसके अलावा कंपटीशन भी काफी ज्यादा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैसेंजर्स है वो बहुत जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में अगर थोड़ा बहुत भी जो प्राइस का डिफरेंस है वो वो देखते हैं जिसकी वजह से सभी एयरलाइंस को अपने टिकट प्राइस को बहुत ज्यादा कम्पेटिटिव

बहुत ज्यादा मैटर करती है टाइमिंग जहां वो देखती है कि कोई नई एयरलाइन किसी टाइम पर ऑपरेट कर रही है वहां पे वो अपने दो फ्लाइट को रख देते हैं और वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है उस नई एयरलाइन के लिए ऑपरेट करना उस टाइम पे ऑपरेट करती है जिसकी वजह से इनका ग्राउंड स्टाफ का जो कॉस्ट आता है ये कम हो जाता है एंड दैट इज हाउ इंडिगो स्टेज प्रॉफिटेबल इन स्पाइट ऑफ ऑल द एयरलाइंस गोइंग बैंक्राफ्ट इन द एयर ट्रेवल बिजनेस सो दैट वॉज इट फॉर वीडियो गाइज आई होप फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो